प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सुबह दिल्ली के लिए रवाना हो गए। बिहार में एनडीए की नई सरकार का नेतृत्व संभालने के बाद नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री से यह पहली मुलाकात होगी। इसके पूर्व उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी व विजय सिन्हा ने भी एक दिन पहले प्रधानमंत्री से भेंट की थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान सीएम नीतीश कुमार बिहार के लिए विशेष पैकेज की मांग कर सकते हैं। उनकी बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी से भी मुलाकात होने की संभावना है। नीतीश कुमार की दिल्ली की यह यात्रा कई मायने में महत्वपूर्ण है। वे प्रधानमंत्री के साथ राजनीतिक परिहर्ष के साथ साथ बिहार के विकास से जुड़े मुद्दे पर भी बात कर सकते हैं। दो दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लघु उद्यमी योजना का आरंभ किया है। इस योजना के तहत बिहार के 94 लाख वैसे परिवार जिनकी आमदनी प्रति माह 6,000 रूपए से कम है, स्वावलंबन के लिए 2-2 लाख रूपए की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। फिलहाल राज्य सरकार अपने बजट से इसके लिए 250 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। एनडीए गठबंधन में आने से पहले भी वे इस योजना में केंद्र की मदद की बात कह चुके हैं। बिहार में अभी एनडीए को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 12 फरवरी से आरंभ होना है। इस सत्र में ही एनडीए की सरकार को अपना बहुमत साबित करना है। इस बारे में भी मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री के साथ चर्चा संभव है। मुख्यमंत्री गुरुवार को दिल्ली से वापस होंगे।